तो आज अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। एक विमी गति। पिछले टर्न पर जो हमारी चर्चा हुई थी वो चर्चा हुई थी यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाय पर। अब हमारी चर्चा है आज एक विमी गति, जहां यूनिट एंड डायमेंशन में से आपको एक क्वेश्चन मिलता है, वहां मोशन एंड डायमेंशन में से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। तो कुछ बेसिक बात है, जैसे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस दूरी, लेंथ ऑफ द पाथ। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, पथ की लंबाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, छोटा रास्ता, ये छोटा रास्ता होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, छोटा रास्ता। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक सेकंड, फॉर्मूला नोट करो, अभी चालू कर रहे हैं। अरे हमारी नमस्ते, ये कह रहे थे इस समय हमारी ऑनलाइन क्लास रहती है और ये पीछे हमारे उसको कॉल करो, तुम्हारे साथ बैठा रहेगा क्या, आज उससे बोल दो, देखेगा कौन बंद कर, अभी चल रहा है किसी टाइम नहीं जाता, इस टाइम हमारी क्लास रहती है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की बात हो जाए, वेलोसिटी की, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता, एक्सेलरेशन त्वरण, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, एज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी। एक्सेलरेशन
हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, प्रारंभिक वेग और ये भी ले लिया हमने वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड बाद वेग, डीवी अपॉन डीटी, तो डीवी कितना हो गया बी माइनस यू और टाइम लगा टी, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन पैदा कैसे होता है, तो फोर्स लगा रहे हैं इसे, जो अपन न्यूटन्स लॉ में बात कर लेंगे। तो तनुज कुमार, सूरज, वंश, राहुल, स्काई गेमिंग, टिंकू, अमित, तो ये सभी बालक नोट करते जाएंगे। आगे बढ़े, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट एस बोल रहे हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, ये सेकंड बोल दीजिए और ये थर्ड बोल दीजिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन गति के समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस। हेलो, हाँ अभी तो बंद है, बीच बीच में क्या है, शुरुआत में कभी कभी चालू हो जाते हैं। ठीक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम एनवे से भी बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकेंड, एनवे सेकेंड में चली गई दूरी, एनवे सेकेंड में चली गई दूरी, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे एस एन यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकेंड, एनवे सेकेंड में चली गई दूरी, अगर हम इसमें चर्चा करें, जैसे एस फोर्थ और एस थर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, विराम से शुरू, तो एस फोर्थ फॉर्मूली आपको पता है यू प्लस ए वाई टू
टू एन माइनस वन, अगर हम एस फोर्थ की बात करें, यू तो जीरो रख दीजिए, यू जीरो टू एन माइनस वन, और ये सेवन हो गया और ये फाइव हो गया, तो चौथे सेकंड में और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात कितना आएगा, सात बटे पांच, सेवन पॉइंट फाइव। एक और फॉर्मूली बनाएंगे अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस की, स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्राह्म में आने से पूर्व चली गई दूरी, ब्राह्म में आने से पूर्व चली गई दूरी स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्राह्म में आने से पूर्व चली गई दूरी, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट को रुकना होगा और रुकने से पहले जो दूरी कवर की जाती है फाइनली क्या करना है, फाइनली तो रुकना ही होगा। और आपको पता है इस केस में रिटार्डेशन होता है मंदन, ये मंदन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का कम होना। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला पर याद करेंगे, यू स्क्वायर अपॉन टू ए, तो यहां से एस का जो रिलेशन आया एस प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू ए, तो S प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, आगे बढ़ना होगा। अगर हम फ्री फॉल की बात करें, फ्री फॉल मुक्त रूप से यहां पर कहें मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया, अभी तो ये रेस्ट में है और इस डिस्टेंस का नाम h दे रहे हैं, तो v इज इक्वल टू a की जगह आ गया g, v इज इक्वल टू gt, यहां पर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, अर्थ के कारण हो रहा है। दूसरी बात हो जाए एस इज इक्वल टू यूटी, तो एस की जगह हम क्या लिख देंगे एच, यहां टी की जो वैल्यू आएगी क्या टी स्मॉल एम पर डिपेंड है, नहीं है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं है। अगर हम अगली फॉर्मूली देखें
यहां से देखिए, रूट टू जी एच अभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, तो कब तक आप रुकने वाले नहीं है जब तक टॉप पर ना पहुंच जाए। तो टॉप पर जाकर भी कितना होगा, जीरो। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, जब आप टॉप पर पहुंच जाओगे तो स्टॉप हो जाओगे, यहां रिटार्डेशन हो रहा है। ये ब्रेक कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। एच का नाम दीजिए, एच का नाम है मैक्सिमम हाइट। अधिकतम ऊंचाई अगर हम अर्थ की और मून की चर्चा करें तो आपको बता दो ग्रेविटी कमजोर है लेकिन वहां हाइट 6 गुना ज्यादा मिल जाएगी। वहां हाइट 6 टाइम्स ज्यादा मिल जाएगी। अर्थ ब्रेक क्यों लगा रही है, तो जब अपन ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर तो ग्रेविटी कहां बुलाएगी, नीचे की तरफ। ग्रेविटी कहां बुलाएगी, नीचे की तरफ। एक छोटा क्वेश्चन देख लीजिए, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर पर सेकेंड, इट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज। तो एस 5th के बारे में हम बात करें, फॉर्मूला मालूम है आपको, कभी कभी यहां एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन दे देते हैं तो माइनस ही होता है रिटार्डेशन, भाई ध्यान रखना। यू कितना है, यू कितना है 7, ए बाई टू ए कितना है 4, आंसर ए हो जाएगा। तो क्या हम ये फॉर्मूली याद कर लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकंड क्या याद किया जाए। हां बिल्कुल याद कर लें, एनवे सेकंड में चली गई दूरी, यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन, एनवे सेकंड में चली गई दूरी, u प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ना हुआ, इसको देखिए, देखिए
पूछा है। एक्सेलरेशन जबकि हो क्या रहा है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन पूछा है, इसमें अक्सर गलती हो जाती है। देखिए ब्रेक लगा दिया और स्टॉप हो गया, यू कितना है 20, एस कितना है एस 10 मीटर, देखो इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, बताइए आंसर बताइए। एक्सेलरेशन आ रहा है -20 और रिटार्डेशन पूछते तो +20, मंदन पूछते तो मंदन माइनस ए होता है, लेकिन उन्होंने ए पूछा है, गलती नहीं करना है। सूरज आंसर भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बताइए। एक खास बात याद रखना, जैसे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर पहुंचना है, एक बार डिफरेंस है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर पहुंचना है, एक बार और डिफरेंस है, अगर उल्टा चलना है तो क्या करें, तो अपन को इंटीग्रल करना पड़ेगा। उल्टा चलेगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल। तो विस्थापन क्या दिया है, PQ S proportional TQ, S proportional TQ, तो acceleration के बारे में चर्चा हो रही है। पहले velocity एक बार differential कर दीजिए, acceleration एक बार और differential कीजिए, टाइम रखते जाइए, इंक्रीज है विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। तनुज कुमार बिल्कुल सही है, परमल पाल ये आंसर बहुत बढ़िया। बताइए एक इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट का और पहुंचना है आपको एक्सेलरेशन तक, और एक्सेलरेशन के लिए डीवी अपॉन डीटी, कैपिटल से स्मॉल से कैसे लिख लो। तो देखिए एक्स कितना है, एक्स दिया है 2a2 आंसर सी हो जाएगा। तो राहुल सी आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। सूरज सी आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छे। इसे देखिए पार करा दीजिए, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर के
एक समान रूप से वेग से चलती है। 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा बताएं? बता दें, 1 किलोमीटर लंबा पुल पार करना है कितना समय लगेगा? तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड देखिए 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/80। देखो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर होता है 1000 मीटर और आवर होता है 3600 सेकंड। फाइव अपॉन 18 डिस्टेंस, दो 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 100 मीटर है, ये कितना ब्रिज, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 1100 हो गया टाइम। इसको 5 बार काट दीजिए, इसको 4 बार, तो ये आ जाएगा 88 सेकेंड। तो डी आंसर हो जाएगा इसका 88 सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें। इसको देखिए, ये कहानी है अर्धवृत्त की। देखिए, इसको तो जानते होंगे तो 2R होता है और इसको भी जानते होंगे पाई आर होता है। अब इन्होंने एवरेज वेलोसिटी पूछी, वेग के साथ एक शब्द आएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा रास्ता। अगर वो एवरेज स्पीड पूछते चाल पूछते इसमें आता डिस्टेंस, तो 2R कितना है यार, 5। तो ये आ गया 4। लेकिन अगर अगर स्पीड पूछा जाता तो पाई में आंसर होता, डिस्प्लेसमेंट में छोटा रास्ता आता है। बताइए कौन सी एक विमी गति है वन डायमेंशनल मोशन? तो
स्ट्रेट ट्रैक पर दौड़ना है ट्रेन को दौड़ा दो, सीधे रेल मार्ग पर दौड़ते ट्रेन की गति, आवाज का कोई इशू तो नहीं है हमें बता दें। बताइए इसको, बताइए एक बात याद रखना, अगर आप याद रख सकते हो तो, अगर बराबर बराबर इंटरवल दिए जाएं तो रिलेशन आता है 1-3-5 लाइन बाई लाइन। ऐसा क्यों? देखिए अपन कहानी देख लेते हैं पहले 2 सेकंड की, देखना। पहले 2 सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड। ये एक्स है और ये वाई। एक्स बराबर फॉर्मूला हमें मालूम है, यहां पर यू 0 है, एक्स इक्वल टू आ गया 2a, लेकिन जब अपन इस डिस्टेंस को कवर करेंगे बाइक को तो यहां आप रेस्ट नहीं मान सकते, तो आप फिर से शुरू चलिए। अभी हम यहां तक चल दिए, अब हम यहां से लास्ट में चलेंगे। एक्स प्लस बाई हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना है पूरा 4 सेकंड, एक्स कितना है 2a, y इक्वल टू आ गया 6a, एक्स अपॉन वाई कितना आ गया 1/3, वाई इक्वल टू 3x। क्या हमें याद कर ले 1-3-5? हाँ याद कर लो, इक्वल इंटरवल देना चाहिए 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड। बेटा वंश पवार थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ये देखिए आंसर तो बताना ही होगा। The distance moved by the particle in 5th second of its motion, बताइए 5th second में कितना distance cover किया गया? तनुज ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है। देखो आपको retardation दिया, retardation समझते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहां से a इक्वल टू कितना आया -2, u प्लस ए वाई टू 2a-1। U कितना दिया है? U 10 है और एक्सेलरेशन माइनस ए दिया है 2, तो ए बराबर -2। माइनस को मत भूल जाना, टेन माइनस 9 ये कितना आ गया 1,
आंसर ए हो जाएगा। तो सूरज टिंकू आंसर ए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बताइए इसको, बताइए बताएं, तीन सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है। देखिए भी दिया है, के दिया है टू, टूटी। आपको पता है बी से एस पे पहुंचने के लिए इंटीग्रल करेंगे, डीएस अपॉन डीटी। इंटीग्रल करना होगा भाई, एस इज इक्वल टू टी कितना है, थ्री, थ्री रख दीजिए टी बराबर। तो नाइन आ जाएगा, नाइन मीटर आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, बताइए ये बात हमारी हो चुकी है, बताइए ये बात हमारी हो चुकी है। एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकेंड तक, प्रथम 10 सेकेंड और अगले 10 सेकेंड, बोल दो, बोलना ही होगा। वही 10-10 सेकेंड की स्टोरी है, 10 सेकेंड और अगले 10 सेकेंड। तो हमने क्या बताया था, 1-3-5 का रेशियो बताया था, या एक्स अनुपात वाई बताया था। तो एस वन अपॉन एस टू 1/3, एस वन इज इक्वल टू एस टू अपॉन 3। बी आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए, थोड़ी दिक्कत आ रही है, कल इसको सही कर लिया जाएगा। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, कल ही सॉर्ट आउट कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, क्यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन, एनवे सेकेंड में चलेगी दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अब इसको देखिए, किसी भवन के शिखर से तो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर एक साथ नीचे छोड़े जाते हैं, तो बताइए देखिए
कि अपन ने यहां से एक पत्थर को छोड़ दिया, तो आपको पता है एस की जगह यहां एच नाम दे दीजिए, यू जीरो है, क्या टी स्मॉल एम पर डिपेंड ना है, क्या टी हाइट पर डिपेंड है, हाँ है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं है, बोथ स्टोन्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो दोनों पत्थर जमीन पर साथ साथ पहुंचेंगे, आगे बढ़ा जाए। बताइए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तनुज कुमार आंसर तो बताएं। सूरज फेंक दिया पत्थर, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, और 4 सेकंड में कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकंड। हाइट पूछिए, वही फॉर्मूली देखिए, क्या हम डायरेक्ट इसको भी याद कर ले क्या, रूट टू एच अपॉन जी, हाँ कर सकते हो इसको भी याद, आप जी टी स्क्वायर, जी को एप्रोक्स 10 मान लीजिए, 4 सेकंड यानी 16 रख दीजिए, सेंटीमीटर हाइट ऑफ टावर, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइए 5 वे पर्टिकुलर 5 हो गया, 4 से 5, और 5 का मतलब तो 1 2 3 4 5, बताइए आंसर तो बताना होगा। अच्छा 5th कम आएगा और 5 ज्यादा आएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। ये नहीं हो सकता, 5th के लिए फॉर्मूला, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये 5th एंड वे, और इसके लिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगी हाफ ए टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर, ये पूरा टी टाइम है ना 5 सेकेंड, 9/25 आंसर आएगा, ए आंसर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकेंड, आगे बढ़ जाए, बताइए बताएं,
सूरज डी आंसर बता रहे हैं, कुलदीप सी आंसर बता रहे हैं, परमल पाल डी बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल दिया है? टी क्यूब के। एक्सेलरेशन पूछा है, पहले भी देख लो फिर एक्सेलरेशन पूछ लो। तो प्रोपोर्शनल में 6 को पहुंचा दो, समझ में आ गया होगा एस प्रोपोर्शनल टी क्यू। तो एस से पहले हम वेलोसिटी की तरफ पहुंचे, फिर हम एक्सेलरेशन की तरफ पहुंच गए। बताइए स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। बताइए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का हमने पहले 6 मीटर पर रोक पा रहे हैं। अब स्पीड ज्यादा है तो निश्चित है ज्यादा दूर रोक पाओगे, रोकने का फॉर्मूला भी तो है। स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूली आप याद रखें, एस प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, एस वन अपॉन एस टू, एस वन कितना है 6 मीटर, एस टू कैलकुलेट करना है, यू वन कितना है 50, यू टू कितना है 100। एस टू आ गया 24, क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते? पहले 6, स्पीड कितना हो रहा है डबल, 50 से 100 हो रहा है। F इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो S प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर। बताइए एक्सेलरेशन पूछा है, कर दीजिए डिफरेंशियल दो बार, एक्सेलरेशन पूछा है कर दीजिए डिफरेंशियल दो बार, डीएस अपॉन डीटी 40 प्लस 2, एक बार और कर दीजिए 4, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, बी आंसर आएगा बेटा दीपक बी, बहुत बढ़िया। बताइए अ कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.9 के लिए ड्रेस्ट इफ द बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो S इज इक्वल टू, आप शुरुआत में ये दिक्कत आएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए। डिस्टेंस कितना कवर किया गया 250 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, F अपॉन M, M कहां है 0.9, टी का स्क्वायर, पॉइंट से इसको उड़ा दो, एफ इज इक्वल टू कितना आएगा
4.5 न्यूटन आ रहा है। डी आंसर आएगा तनुज कुमार 4.5, कुलदीप डी आंसर, सूरज कुशवा सर आप एक कृपा कर दीजिए 15 मिनट का ब्रेक दे दिया जाएगा। ये देखिए एस प्रोपोर्शनल दिया है टी स्क्वायर, बोल दो आंसर तो बताना होगा। एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर तो वेलोसिटी टूटी, और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये आएगा टू। क्या ये टी पर डिपेंडेंट है? नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, आंसर आ गया ए कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नियत त्वरण या एक समान त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नियत त्वरण या एक समान त्वरण, आगे बढ़ना होगा। बताइए 3 सेकेंड पर कड़का तात्क्षणिक वेग, वेलोसिटी पूछी है तो एक बार डिफरेंशियल कर दें, केवल एक बार डिफरेंशियल कर दीजिए। मोहित आंसर ये बता रहे हैं, टू बी टी, बी कितना है बी, अरे बी तो बताओ 3, और टी कितना है टी 18 आएगा। डी आंसर होगा तनुज कुमार 18, बहुत बढ़िया। कुलदीप आयुष देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, किस समय पर कण का त्वरण 0 है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम टी, टाइम टी पूछा है, जब एक्सेलरेशन 0 हो तब टाइम टी, बताइए जब एक्सेलरेशन 0 है तब टाइम पूछा है, तो पहले एक्सेलरेशन लाइए, वेलोसिटी टू एटी माइनस 3 बी टी स्क्वायर, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें टू ए माइनस 6 बी टी, सिक्स बी टी, इसको 3 बार काट दीजिए, पूछा गया टी, टी इक्वल टू आ गया ए अपॉन थ्री बी, आंसर सी आएगा। तो मोहित सी आंसर बता रहे, बहुत बढ़िया। कुलदीप 2.0 सी आंसर बता रहे हैं। बताइए
बताइए, आंसर बताना होगा। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखें, देखो कार का इंजन, कार में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो ये तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है कार का इंजन। यह कार समान द्रव्यमान की एक दूसरी कार को खींचे, यह कार यही कार खींच रही है, समझ रहे बात को, यही कार दूसरी कार को खींच रही है। तो आपको पता है मास डबल हो जाएगा। देखो एक कार है, अब इसका इंजन था, कार का इंजन इस कार को खींच रहा था, अब इसमें हमने एक और कार जोड़ दी, अब ये वाली कार दूसरी कार को खींचे, इसको ये वाली कार खींचे, तो मास डबल हो जाएगा। मास डबल होने से एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ गई सभी को? देखो ये कार है और ये इसका इंजन है, इंजन अभी इस कार को खींच रहा है, तो अभी जो मास है, फिर ये कार दूसरी कार को खींचे, तो ये तो खुद कार हो गई, एक और कार हो गई, मास डबल हो गया, तो एक्सेलरेशन हाफ होना पड़ेगा। ठीक है, किच तो पुरानी कार ही रही है ना, बताइए। ये बात हम कर चुके हैं, चौथे तथा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा, बताइए। तो ये बात हमारी आपसे हो चुकी है, यू तो जीरो है, यू जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, आयु से आंसर बता रहे, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूली आप याद रखना, यू क्यों जीरो हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, शुरू कहां से होना है, विराम से। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी, तो यहां अगर वेलोसिटी निकाले, अच्छा डीटी फोर है, डीटी फोर है, फोर डी टी क्यू, टी इक्वल टू जीरो रख दीजिए, इनिशियल तो बी आ गया, और एक्सेलरेशन की बात करें, टी इक्वल टू जीरो रख दें, टू सी आ जाएगा, तो बी कॉमा टू सी, सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ना होगा। बताइए द बॉडी इज अंडर गोइंग बताइए एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है डीवी अपॉन डीटी। ये देखिए पॉइंट टू टी एक बार डिफरेंशियल कर दें इसका टी इक्वल टू कितना रखना चाहोगे। अरे टी बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सी होगा। यूनिफॉर्म कब कहते जब पॉइंट टू आंसर आता तब एक समान कहते थे टी नहीं आता। बताइए रोक दो स्टॉप कर दो कार को रोकना है आंसर बताना होगा। एस इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन टू ए तो एस वन अपॉन एस टू पहले कार कहां रुक रही है पहले स्पीड बता दो 10 है बाद में 30 है एक सौ अस्सी मीटर क्या डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते थे स्पीड कितना हो रहा है ट्रिपल 10 से कितनी हो रही है स्पीड 30 तीन गुना हो रही है तो डायरेक्ट आप 180 बोल दो ना समानुपाती को गुणा में बदल दो स्पीड ट्रिपल तो ट्रिपल दे दो। बताइए 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन पूछा है डिफरेंशियल कीजिए ये आ गया कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडिंग नहीं है तो आज की बात रख देते हैं यहीं तक। मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ।